मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, आप पहले इसको समझिए। वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, तो सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है उस पर यदि गौर करें, तो अपवर्तन क्या होता है कि अपवर्तन में प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं। ये चीज तो आप समझते हो। हाँ, माध्यम के रूप में एक हवा लेते थे, एक जल लेते थे, एक हवा लेते थे, एक कांच लेते थे। तो माध्यम जो है एक देखने में ही लगता था कि एक जो है बहुत ही सरल माध्यम है और एक बहुत ही सघन माध्यम है। तो सरल माध्यम और सघन माध्यम इस तरह से देखने से ही पता चलता है। हवा इस तरह से आप आसानी से हाथ हिला सकते हो, उसी तरह से पानी में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा हाथ हिलाने में, तो हवा होगी आपका विरल माध्यम और जबकि पानी होगी आपका सघन माध्यम, ठीक है। तो वायुमंडल में ऐसा होता है कि सूर्य प्रकाश भी जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, लेकिन वह उसी माध्यम में दोनों काम हो जाता है, मतलब सघन माध्यम और विरल माध्यम एक ही माध्यम में मौजूद होता है। जैसे हवा का बात करें तो हवा का घनत्व कहीं अधिक होता है, कहीं कम होता है। तो ऐसा होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर बिल्कुल विरल माध्यम होता है, और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे हवाओं, बहुत सारे गैसों का मिश्रण, धूल कण सहित सम्मिलित रहता है। तो वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र विरल माध्यम होता है, जबकि वायुमंडल के अंदर का क्षेत्र सघन माध्यम होता है। इस तरह से प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया तो हो गया ना, भले उसके ऊपर बिल्कुल निर्बाध क्षेत्र है या फिर खाली क्षेत्र है जहां पर स्तर जो है एक तरह से वायु का स्तर वह बहुत ही विरल रूप में है, जबकि उसके नीचे सघन रूप में है। तो इस प्रकार प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह तो एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाला बात हुआ, यानी उस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो वायुमंडल के अंदर प्रकाश का इस तरह का अपवर्तन की घटना को ही हम लोग प्रकाशीय वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना हो गया, ग्रह का नहीं टिमटिमाना हो गया, उसके अलावा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का दिखाई पड़ना, तारों का उसके आभासी स्थिति में दिखाई पड़ना, यह सारा गुण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें हम एक चीज पर एक्सप्लेन करते हैं कि जितना भी घटना हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, चाहे वह तारों का टिमटिमाना हो, ग्रह का नहीं टिमटिमाना हो, तारों की आभासी स्थिति, अग्रिम सूर्य और विलंबित सूर्यास्त का दिखाई देना, यह सारे चीज का वजह है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब जरा सा हम एक चीज पर जिक्र करते हैं कि तारों का टिमटिमाना का जो मुख्य वजह होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। कैसे? तो देखो, जब तारे जो है हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं और बहुत दूर दूर पर स्थित है, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर तक स्थित है। आप जानते हो सूर्य जो है हमारे सबसे नजदीक का जो तारा है वह 14.96 यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है, और न जाने तारे कितने अधिक दूर पर स्थित होंगे। तो उन तारों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी इंटेंसिटी यानी जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है।
तो चूंकि वह बहुत दूर पर स्थित होते हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश जो है वह पृथ्वी पर पहुंचता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है। तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह विभिन्न परतों में विभाजित है। सबका तीव्रता, सबका घनत्व, तो सबका ताप अलग अलग होता है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है वह पृथ्वी का वायुमंडल वह सघन माध्यम होता है, जबकि वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र विरल माध्यम होता है। तो बार बार जब तारों से रोशनी निकलती है या प्रकाश निकलती है, वह पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अलग अलग परत से उसको गुजरना पड़ता है, यानी अलग अलग स्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है, जहां अलग ताप होता है, जहां पर अलग घनत्व होता है। इस तरह से तारों का रोशनी जो है पृथ्वी पर बार बार हर एक परत पर अपवर्तित होते रहता है, यानी उसका अपवर्तन होते रहता है। अब कोई भी चीज बार बार बदलेगा तो वो क्या अपने सही स्थिति में दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तारे जो है वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मतलब सीधा सीधी बात यही है कि तारों का टिमटिमाने का जो मुख्य वजह होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए दूसरे चीज पर चलते हैं। अब अगला बारी है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो देखो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का परावर्तन यदि उसको देखा जाए तो कुछ खास अंतर नहीं है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह परावर्तन से संबंधित होता है। बस थोड़ा सा फर्क है कि प्रकाश का परावर्तन परावर्तित सतह से टकरा करके वह उसी दिशा में वापस लौटता है, वह प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसमें भी उसी तरह का चीज होता है कि चूंकि सतह जब आपको बड़ा दिखाई पड़े, परावर्तित सतह बड़ा दिखाई पड़े, तो वहां पर पता चलता है कि प्रकाश का किरण इस पर टकरा करके दूसरी तरफ लौट रही है। लेकिन क्या केवल वही एक बड़ा परत ही ऐसा होता है जो प्रकाश के किरण को अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है? नहीं, और भी बहुत सारे चीज हैं जो प्रकाश के किरण उस पर पड़ता है तो वहां से अपवर्तित होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न कणों पर पड़ता है, कण मतलब अणु या परमाणु, तो कण जो है उसको अपने अंदर सोख लेता है, एक तरह से अपने अंदर खींच लेता है, और उसके बाद खींचने के बाद उसको दूसरी दिशा में भेज देता है। मतलब टकराया दूसरी तरफ चला गया, टकराया दूसरी तरफ चला गया। तो इस तरह से यह घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब देखिए इसको पढ़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु इसे अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और गैसों के ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में रेले ने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया था कि रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घात का समानुपाती होता है। तो रेले ने क्या सिद्धांत दिया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल टू, इसको अल्फा मत समझिएगा, इसको समानुपाती समझेंगे, इस चिन्ह को क्या समझेंगे, समानुपाती समझेंगे, 1/λ/4, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को, प्रकाश के किरण, प्रकाश का जो अलग अलग रंग होता है प्रत्येक रंग के तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है। तो ये यदि बढ़ेगा, चूंकि बटे के रूप में है तो यह यदि जितना बड़ा मान होगा आई का मान उतना ही कम होगा। मतलब ये हुआ कि आप जैसे ऐसे समझो, मान लिया जाए आपके पास है 1/2,
फिर दिए एक बटे पांच, फिर दिए एक बटे दस, तो एक बटे दो का मान हो गया 0.5 यानी 50 बोल सकते हैं, 0.2 हो गया यानी 20 बोल सकते हैं, 0.1 हो गया यानी 10 बोल सकते हैं। तो देखो नीचे में जैसे जैसे बढ़ रहा है, दो था, पांच था, दस था, नीचे में बढ़ रहा है तो ऊपर देखो घट रहा है, 50, 20, 10 है कि ना। तो इसका मतलब यही है, 1/something का मतलब यही है कि जैसे ये वाला बढ़ेगा यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो तीव्रता क्या होगा, घटेगा, उतना ही तेजी से घटेगा। तो इसलिए रेले ने यही तथ्य दिया था या यही एक नियम दिया था कि परिमित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक शब्द होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ एक के घटने पर या एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा। जैसे आप ऐसे समझो कि एक की एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम क्या होगा, तो 25 रुपया होगा। तो कलम का संख्या बढ़ा तो उसका दाम भी बढ़ेगा। लेकिन हम यदि ये बोलें कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, तो 5 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, एक ही दिन में कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक आदमी बढ़ा लेकिन उधर दिन क्या हो गया, घट गया है कि ना, दिन क्या हो गया, घट गया। तो इस तरह से एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े तो वह समानुपाती, और एक के बढ़ने से दूसरा घटे तो वह व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है कि परिक्रमित प्रकाश का जो तीव्रता होता है वह आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उस प्रकाश का परकिरणन की तीव्रता उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यह था रेले का नियम। तो हालांकि रेले का नियम पूछा नहीं जाता है, आपको प्रकाश का परकिरणन यदि पूछा जाएगा तो इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, तो इससे पहले जो आप लोग पढ़े थे प्रकाश का प्रकीर्णन, वही चीज है टिंडल प्रभाव, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को दर्शाने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव में आप उसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, आपने देखा होगा कि जब आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक कमरे के छोटे से छिद्र से जब सूर्य की प्रकाश उसमें प्रवेश कर रही है तो उसमें जो कण होते हैं यानी कमरे के अंदर जो कण होते हैं वह सूर्य प्रकाश जैसे उस पर पड़ता है वह और दिखने लगता है, मतलब वह स्पष्ट रूप से कण दिखने लगता है। यह घटना है प्रकाश, यही प्रभाव जो है वह टिंडल प्रभाव है, यानी कण पर जो कण तैरते हुए नजर आते हैं उस पर प्रकाश का किरण पड़ता है, तो कण उसको जो है अपने अंदर सोख करके उसको अलग अलग दिशा में जो है परावर्तित करता है, जिससे कण जो है वह चमकता हुआ नजर आता है। यानी टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को दर्शाता है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो ये कोलाइडी कण क्या होते हैं? कोलाइडी कण किसी कण का एक आकार होता है जिसमें कण का मान 10⁻⁷ से 10⁻³ सेंटीमीटर, ये कण का आकार होता है। ये इसके बीच जो कण का आकार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कण के द्वारा जो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करता है उसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव।
नहीं कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित परिघटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित परिघटनाएं यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है। तो ये चार चीज हम यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, इस चारों में यदि एक के बारे में भी बोल दिया जाए तो उसका मेन वजह यही बता देना है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे स्वच्छ आकाश का रंग नीला पड़ना, अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग काला पड़ना, बादल का रंग सफेद वक्त दिखाई पड़ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, रक्ताभ मतलब बिल्कुल लाल जैसा प्रतीत होना। इसमें हम एक को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये कहेगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई क्यों पड़ता है, तो अंतरिक्ष जो होता है वह पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर का क्षेत्र होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर का क्षेत्र होता है, तो वहां पर प्रकाश का किरण जो है तो वहां पर प्रकाश का किरण पड़ता तो है, लेकिन चूंकि वहां पर कोई कण ही नहीं है और जब कण ही नहीं है वहां पर तो प्रकीर्णन होगा ही नहीं, और जब प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो क्यों रंग क्यों दिखाई देगा, इसलिए वहां पर कोई कण नहीं होने के कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिस कारण अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया वजह, तो मतलब जितना भी स्टारों में से वजह पूछेगा सबका वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो अगला क्वेश्चन है संकेत का रंग लाल क्यों होता है, लाल खून का रंग भी लाल होता है। अब आप खून देख करके कहीं पर खून देख करके आपको डर लग जाता है, तो वैसे ये डर लगना एक अलग मैटर हुआ, एक सेंसेटिव मैटर हुआ, डायरेक्ट रक्त को देख करके किसी का भी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है खतरा, तो खून खौसा खून खौसा खतरा, खून का रंग लाल होता भी है, लेकिन वो सब वजह नहीं है, इसका वजह यही है कि खतरे का संकेत, खतरा यदि कहीं पर है तो लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि आगे खतरा है, तो लोग सावधान हो जाएगा, है कि नहीं। तो लाल रंग जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इस कारण से वह यदि दूर में भी उसका संकेत स्थित है तो लोग देख लेगा कि लाल लगा हुआ है यानी खतरा है, पहले सावधान हो जाएगा, इसलिए खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अतः अधिक तरंग दैर्घ्य रहने के कारण यह रंग दूर के लोगों को भी आसानी से दिखाई पड़ता है, जिससे दूर के लोग भी इस रंग को देख करके पहले से सावधान हो जाते हैं, ठीक है, अतः खतरे का रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये था, अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे अंतिम पार्ट पर, न्यूमेरिकल्स पर। तो चलते हैं पहला न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पर, जरा सा पढ़ते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है तो सुधार करने वाले लेंस की क्षमता क्या है जो उसको 12 मीटर तक देखने में सहायक हो। तो आप लोग लेंस सूत्र पढ़े हो ना, तो बस उसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस लेंस सूत्र से रिलेटेड टर्म को आपको ध्यान रखना है। देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जितना दूर तक स्पष्ट देख सकता है, जितना दूर तक वह स्पष्ट देख सकता है उसको हम लोग भी बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, क्योंकि वहां तक उसका प्रतिबिंब बनता है,
और जितना देखने के लिए आंसर पूछा जाएगा वो यू होता है, और जनरली तौर पर दोनों का चिन्ह निगेटिव रखते हैं, ये आप ध्यान रखना ठीक है। क्योंकि हमारा जो लेंस होता है नेत्र लेंस, वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में जो यू होता है वह हमेशा निगेटिव होता है। तो खैर ये हो गया, 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, आपको बताया जिसको देख सकता है उसको हम लोग भी बोलेंगे, भी बराबर हो गया -3 मीटर ठीक है। और जहां तक देखने के लिए कहा जाए 12 मीटर तक, वो हो गया यू, यू बराबर -12 मीटर। ये चिन्ह हमेशा निगेटिव डालना है। अब लिखना है लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र जानते ही हैं, 1/v - 1/u = 1/f, 1/v का मान -3 है, -1/u का मान -12 है, 1/f -1/3 -1/12 = 1/f, एलसीएम हो गया 12 × 3 = 12 = -3/12 = 1/f, 3 × 12 = -4, f का मान कितना निकला -4। तो ये हो गया फोकस दूरी, और जब फोकस दूरी हो गया तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है ना, लेंस की क्षमता, तो इसीलिए लेंस की क्षमता सूत्र तो आपको याद होगा, P बराबर होता है 1/f, है ना, क्षमता का सूत्र पिछला चैप्टर में पढ़े थे, और 1/f का मान है -4। आप जानते हैं कि इसमें जो फोकस का मान होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, ऐसा योग से मीटर में है भी, तो बराबर हो गया -0.25 पंची डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डी लिख दीजिए सिर्फ, हो गया आंसर ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है, एक निकट दृष्टि वाला मनुष्य 1.5 मीटर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो जहां समझते हैं आप निकट दृष्टि यानी निकट उसका अच्छा है और दूर में प्रॉब्लम है, दूर के वस्तुओं को देखने में उसको प्रॉब्लम है, तो आपको क्या बोले थे कि जहां तक साफ साफ देख सके, जहां तक स्पष्ट देख सके उसको हम लोग भी बोलेंगे। तो यहां तक वह साफ साफ देख सकता है यानी भी बराबर हो गया -1.5 मीटर। अब रहा सवाल यू का, तो चूंकि आप जब देख रहे हो कि ये निकट वाला व्यक्ति है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति है, नजदीक तक वह अच्छे से देख सकता है, तो उसको दूर वाले वस्तु को देखना है ना, तो दूर वाला वस्तु का मतलब हो कि अनंत पर रखा हुआ वस्तु, यानी u बराबर हो गया -∞, u बराबर हो गया -∞। इसीलिए लेंस सूत्र से चलते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, v का मान 1/-1.5 -1/∞ = 1/f, -1/1.5 ±+1/∞ = 1/f, 1/∞ का मान 0 होता है, तो दैट मीन्स -1.5 + 0 = 1/f, -1/1.5 = 1/f, f बराबर हो गया -1.5 मीटर। फोकस दूरी निकल गया, और जब फोकस दूरी निकल गया तो अब क्या निकालना हमको, चश्मे की शक्ति निकालना है, शक्ति यानी क्षमता निकालना है, पावर निकालना है, इसलिए चश्मे की शक्ति, शक्ति का मतलब यहां पावर से है, सुन्ना कट गया, 5 × 10 = -2/3, ये हो गया बराबर -0.66 डायोप्टर ठीक है। चलिए पूरा कर लीजिए।
0.66 डायोप्टर। ठीक है, तो ये था आज का मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से संबंधित अंतिम क्लास। तो अब हम लोग कल से जो है एक दूसरे चैप्टर में शुरू करेंगे, दूसरा क्लास शुरू करेंगे, और आप लोग जो है इस चैप्टर का नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।